करीब 1.5 साल पहला पटियाला दे पिंड खेड़ी गंडिया विखे होए दो बच्चियां दे अन्ने कतल दा पर्दाफाश हो गया है। जी हाँ, बच्चियां दे अन्ने कतल दी कहानी बहुत ही दुखदाई है। भावे पुलिस ने इस मामले नू सुलझा, इस दे असल दोषियां नू काबू कर लिया है, पर जदों तक दोषी फांसी ते नहीं लटक जांदे उदों तक पीड़ित परिवार नू इंसाफ नहीं मिलेगा। पिंड वासियां ते पीड़ित परिवार वल्लों मिले सहयोग लई धन्नवाद करदिआं विधायक मदन लाल जलालपुर ने कहा है कि विरोधी पार्टियां वल्लों इस मुद्दे ते राजनीतिकरण कारण इंसाफ मिलण विच बहुत देरी हुई है, परंतु पुलिस वल्लों असल दोषियों नूं काबू करन लई DSP जसविंदर सिंह तिवाणा अते खेड़ी गंडिया थाने दे इंचार्ज कुलविंदर सिंह वधाई दे पात्र ने दो मासूम बच्चों के कतल की गुत्थी सुलझाउण उपरांत इस मौके हलका विधायक मदन लाल जलालपुर अते पंजाब पुलिस दे उच्च अधिकारी पिंड खेड़ी गंडिया विखे प्रेस कॉन्फ्रेंस करन पहुंचे तो पिंड वासियों वल्लों बच्चों की मौत ते गहरे दुख का प्रगटावा किया गया। उन्हें कहा है कि मासूमां दे कातिलां नूं फांसी की सज़ा दी जाए। पिंड वासियों ने कहा है कि पंजाब सरकार अते पंजाब पुलिस की कार्रवाई तो मासूमां दे परिवारक मैंबर अते पिंड वासी संतुष्टि महसूस कर रहे हैं अते अगे भी आस करते हैं कि मासूमां दी आत्मावां नूं शांति दिवाउण लई माणयोग अदालत दोषियों नूं जल्द तो जल्द फांसी के तख्ते ते लटकाए। आज़ाद TV न्यूज़ दे लई कनौर तों भारत सूद दी रिपोर्ट। साढ़े DSP साहब टवाणा साहब ते इंस्पैक्टर साढ़े कुलविंदर जी, ये टवाणा ने पहला भी इस इहदा काफ़ी देर का तजर्बा इस तो रहा। पहला है कितने चंडीगढ़ जो तुसीं लगे ही लग्या, चंडीगढ़ कि सिट का मैंबर से पहला 2-3 महीने झकाए दा उधर ही रहा, तो इधर इन्ने इलाके ज़्यादा टाइम नहीं इन्हू मिला काम करनो। जो उधर वेला होया तो इसने आके फिर ये कहिंदा भी एक गुत्थी सुलझानी पवेगी भी डा मर्डर केस आ, भी मुंडे चले गए लभ नहीं रहे, कोई गल नहीं चली अज तक। इन्होंने फिर आके सारा ये केस नूं मैं कहना भी इन्हें अपना दफ्तरी गंडा खेड़ी बनाता थाने। जदों मैंने फोन करना कितने कहना गंडा खेड़ी, मैं कर की रहा, कहिंदा केस सुलझा रहे हैं, ये केस कच्चे हाथ नहीं पा सकते। इन्होंने फिर जिहड़े कितने कैमरा लग्या हुआ सी वो चक्के देखे भी स्कूटरी है, जो भी इन्होंने किया एक चीज़, मैं कहना 2 तो किताबा लिखिया होनी, कल कल बयान लेने फिर सैन कराने, इन्होंने दे फिर बयान लेने फिर सैन कराने, फिर सारे मिलाना भी कितने फर्क आ। भी बड़ी डूंघाई दे नाल पुलिस ने, मैं कहना बहुत शाबाश इन्हां दे, भी कितने उरे किन्ने SP बैठे रहे, SSP, IG, DIG, किसी तो एक केस नहीं निकलिया। पर इन्हां ने जिहड़ी डूंघाई नाल सोच के ठंडे दिमाग दे नाल एक केस कढ़िया। MLA साहब जिवें कि जिन्ना इन्हां दे परिवार इत्थे बैठे रहे, सारे रिश्तेदार साढ़े बंदे ने सारा काम किया, सारा खर्चा झल्या इन्हां दा, भी वो इन्हां दे रुपया भी आंच नहीं आण दी, सारा जो भी खर्चा होया भुगते होया असी सारा नाल हो के सारा आप कराया, सारा इन इस परिवार से नहीं कोई असी आण दी, ना एक रुपया इन्हां दे लगने दिता, असी पूरा संभालिया, पार्टी ने संभालिया इन्हां दा। पर मैं गल कहना जिहड़े बंदे उत्थे आ गए सिर्फ मजिठे वर्गे इत्थे गमराह करके गए हैं, जो जिहड़े बंदे ने उत्थे आके सड़क रोकी आ, जिन्हां ने एक काम च विघन पाया, ये 1.5 साल लेट होने का कारण यही आ, भी जे वो ना विघन पाते ये तो हफ्ते च फड़े जाने सारे कुछ। मैं तो यही कहना चाहूँगा पुलिस का बहुत धन्यवाद जी, बाकी सर अपना DSP सर जसविंदर सिंह टवाणा जो उन्होंने बहुत मदद करी, तो MLA साहब ने भी साडा मतलब साथ दिता, जब भी फोन करिया भी उन्होंने कहा भी कोई बात नहीं लभ के छड़ांगे कोई भी। बाकी मैं सर को DSP अपना जसविंदर सिंह टवाणा जिहड़े उन्होंने को मैं फोन करते रहिंदा जी, मतलब एक दिन छड़ गए या रोज़ करना, पर उन्होंने कभी यह नहीं कहा भी फोन क्यों कर रहे मेरे पास, उन्होंने मेरे प्यार नाल गल करी है भी मैं छड़ांगा नहीं कोई बात नहीं, बच्चों का तो हैगा मैं छड़ के मतलब लभ के छड़ांगा तेन कोई चक्कर नहीं तेरे नाल ही। जिहड़ी विरोधी पार्टी ने राजनीतिकरण कराया तुहानू लगदा भी उस करके केस लेट होया? ये तो हूँ कह नहीं सकते, देखो क्योंकि विरोधी पार्टी ने धरने लगाए धरने, हाँ जी उत्थे तो मैं तो पता नहीं था जी क्या हो रहा, मेरे गल क्या नहीं, क्योंकि मैं कोई सोच ही नहीं थी जद कौन आ रहा जी कौन मिल रहा, मैं कुछ नहीं पता था जी। माँ शक तो माँ से तो कभी शक ही नहीं होया जी, चलो माँ यह जहाँ काम कर देगी जी। बाकी बलजीत तो सानू यह था भी क्योंकि लड़दा जी, जिस तरह मैं कई बार एक बार पिंड भी गया जी, मैं मेरा चाचा नाल सी, दोनों 3 जने असी गए, साढ़े नाल संघा हाथों पाई करी उन्होंने, उसके माँ बापा ने भी, मैं तो एक समझा गया था भी मुंडा भी फोन करा मेरे घर वाली बार भी समझा लियो, पर मेरे उन्हें पता नहीं घर के भी नाल सी क्या दी, पर हथों पाई करी समझा आए चौंकी आए जी, चौंकी रफ्ट देन आई जी मेरी, पर पता नहीं फिर क्या बने क्या नहीं। बाकी मैं तो यही मांग कर दिया पहले भी यही कातल है, पर सबूत कोई है नहीं, पुलिस वाले भी क्या करते जी, ये तो हूँ ही पता लगे था जी, जब मतलब घर आई भी थी एक बार फोन मैं देखे जी, फिर मैं SHO सर अपने इतने जड़े आए हुए उन्होंने भी कहा,
वह कह रहे भी कोई बात नहीं भी असं समझावे पर पहला तो कभी शक ही नहीं होया जी क्योंकि मैं विश्वास इन्ना करेंदा जी उस पर एक सवेरे मैं कम से लंघ दिया जी मैं तो शाम को आवेदा जी मैं कुछ उस बारे पता नहीं उस को मोबाइल भी था जी कुछ छोटा नहीं मैं तो यही धन्यवाद कर रहा मीडिया वाले का सारे अपना जोड़े मेरे बैठे हैं और सारे पिंड वाले ने भी बहुत साथ दिता सरपंच हो गए जी पिंड वाले सारे हो गए जी नेड़े पिंड वाले ने भी बहुत साथ दिता मीडिया वाले का भी बहुत धन्यवाद है जी बाकी अपना MLA साहब आई अपने तो DSP टवाणा साहब उन्होंने भी मैं दिल से धन्यवाद कर चलो बच्चों के मन में शांति मिल गई जी बड़ी चिर तो लोगों वैसे तो जी जिस दिन मैं इतने ज्वाइन किया MLA साहब न मिले पहले दिन ही इन्होंने मैंने एक गल कही सी साढ़े इतने बड़ा व्डा जोड़ा एक इंसीडेंट होया हुआ जिदे दो बच्चों की जी है मिसिंग का मामला बड़ा सनसनी खेज जोड़ा इंसीडेंट सगा तो उस तो बाद भी रेगूलर मेरे नाल इस टॉपिक के उत्ते गल करते रहते इनू ट्रेस करने के वास्ते थोड़ी जी साड़ियाँ डिपार्टमेंटल जीडिया सगिया प्रॉब्लम सगिया भी मैं बिजी रहा किसी सिट का मैंबर से पिछले 3 महीने तो लगातार मैं और मेरे जी सहयोगी टीम SHO साहब असी लगातार इस केस के मेहनत की है नवे सिरे तो इस ग्राउंड लैवल के उत्तों जोड़ा है चुक के इसनों असी बिल्कुल 0 तो लैके 100 दे डिग्री तक इनू लैके गए हैं हर एक एंगल नूं असीं बड़ी बरीकी दे नाल जिहड़ा स्टडी कीता तां जो किसी नूं इस इहदे विच क्योंकि बड़ा हाई प्रोफाइल केस है कि किसी गलत बंदे नूं इहदे विच जिहड़ा है टैगल ना हो सके जिस तरीके नाल MLA साहब ने दस्सिया भी इन्हां दी स्टेटमेंट वगैरह असीं लईआं बार बार असीं स्टेटमेंटां लै रहे सी भी कि बदल तां नहीं रहे स्टेटमेंट नाल इहनां दे सिग्नेचर वगैरह लै रहे सी उस तों इलावा जो इह दस रहे सी उस चीज़ नूं असीं वेरीफाई कर रहे सी जो स्टेटमेंट लिखाती भी वाकई सही लिखाई है जिन्हां बंदियां बारे गां इन्होंने दस रहे कि असीं उत्थे बैठे उत्थे पैग लाया उन्हां बंदियां नूं मैं पुछगिछ कीती उन्हां दी स्टेटमेंटां लिखियां अखीर नूं 5-4 पॉइंट ऐसे साडे कोल आ गए जिहड़ा साडे मन पिछले 1.5 महीने तो मैनूं तकरीबन 2 महीने तो मैनूं लगन लग्या भी हुण 100% क्लीयर है उस तों बाद असीं इह नहीं सी चाहुंदे भी कोई क्ल्यू इहदे विच रहि जावे फिर असीं इन्हां दा जिहड़ा सीगा एक टैसट हुंदा जिहदे जिहनूं झूठ बोलण दा टैसट कहा जांदा पोलीग्राफ टैसट ठीक है जी लाइट डिटेक्टर टैसट जिहनूं कहिंदे आ उह भी असीं इन्हां दा करवाया जो असी इन्वेस्टिगेशन अपनी कीती सी वो इन्वेस्टिगेशन असी नाल ला के मैं SHO साहब नूं दिल्ली भेजिया ते वो टेस्ट दे विच उन्हां तों उही क्वेश्चन पुछे गए और सारे क्वेश्चनों का जवाब उन्होंने गलत दिता बड़ी वड्डी साइंटिफिक सपोर्ट एक सानूं इस केस दे विच मिली है बंदियां तों असीं कतल ट्रेस करते आने हैं मोबाइलों तो कर लैंदे हैं लेकिन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और जिहड़ी टैक्नीकल इन्वेस्टिगेशन और ह्यूमन रिसोर्सिस दे राहीं जिहड़ी असीं इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी है कीती है इस करके असीं इस नतीजे दे उत्ते अज पहुंचे हैं पर सानू इस गल का बड़ा माण है बड़ा असं फख्र महसूस करते हैं कि असी उस दो मासूम बच्चे जेडे किसी भी बच्चे हो सकते हैं कि उन्होंने असी इंसाफ दवा जोड़ा है इंसाफ के लैवल पर लेके आए।